पीर के दिन 27 तारीख होता हो, 27 तारीख से 11 बजे ठीक यहाँ पार्टी ऑफिस से निकल के वहाँ जगत सर्कल से होते हुए सीधा तिम्मापुरी जाके डीसी ऑफिस तक जाके हम एक मेमोरम देने गए। वो मेमोरम कहीं को कहीं का बोले तो गलीज पानी आ रहे पूरा पूरा 55 वार्ड में जो है ना गुलबर्गा नगर में गलीज पानी पी के लोगों को बीमार आ रहे, लोग जो ना बहुत तकलीफ में है। वही पीने का पानी अगर नहीं वो पिए तो जीते उन्होंने, नहीं तो मर जाते। पानी पीना जरूरी है, आदमी को पानी होना, हवा पानी रहे तो सब जो ना जान अच्छा रहता। इसलिए आप लोग जो ना आपसे अपील है पूरे गुलबर्गा नगर वालों को, 27 तारीख ठीक जो ना हम जो ना प्रोटेस्ट कर रहे, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसमें आके शामिल होके ये प्रोग्राम जो है ना प्रोटेस्ट जो है ना एसएचओ करना बोल के मैं आप लोगों से विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं श्यामराव सुरन जिला जातीयता जनता दल महाप्रधान कर रहे। आज जो है जो मेजर इशू चल रहा है यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर पानी का, वो पानी के तरफ से जो है दो दिन पहले हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब के इसके क़यादत के अंदर जो है मतलब उनके लीडरशिप के अंदर हम जो है कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को मिले थे, तहसील साहब मिले थे और उनसे बात किए पानी के इश्यूज़ के बारे में। बात करने के बारे में कंप्लीट जो पानी गटर का पानी आ रहा है उसके तरफ से जो है बात करने के बाद उनके ये लेते उन्होंने बोले आगे मैं आके सर्वे करता हूँ देखता हूँ नासिर साहब बोल के बोले आसन के। मगर ये जो पानी का मसला है ये बहुत मेजर इशू है, ये मेजर इशू है। इसलिए ये यहाँ पर देखिए कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी 3-4 बार इंचार्ज मिनिस्टर ने खुद बने हुए थे उसके ऊपर आज तक भी ये पानी के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करी। और गुलबर्गा आवाम से मैं अपील करता हूँ कि भाई आप लोग तमाम लोग ये जो वक्त है बहुत नाजुक वक्त है और पानी बेसिक चीज़ें हैं हमारे, पानी क्या है मतलब ऐसी चीज़ है एक टाइम पे खाना नहीं तो चलता मगर पानी बेसिक चीज़ है, ये बेसिक पानी को जो है ये लोग नहीं दे रहे। आज पानी खरीद के पीने की नौबत ला के रखे हैं और ये पानी जो है जहर बन चुका है, आज जो है पानी जहर बने हुआ है और वो जहर को पिलाने का काम यहाँ की बीजेपी सरकार और यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। इसीलिए हमारे तमाम पार्टी के लोग मिलकर आज मंडे के दिन जो स्ट्राइक डीसी ऑफिस से हमें स्ट्राइक करें, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि भाई आप तमाम लोग आके प्रोटेस्ट को सक्सेस कीजिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए बोल के आपकी मीडिया के थ्रू दो बात करता हूँ। पिछले कई दिनों से गुलबर्गा शहर में पानी की बहुत बड़ी तकलीफ देखी जा रही है, गंदा पानी लोगों को मुहैया हो रहा है जबकि ये एक बेसिक एमिनिटी है और तमाम गुलबर्गा शहर के लोगों को पानी साफ और स्वच्छ मिले इसकी यकीन दहानी होनी चाहिए कॉरपोरेशन की तरफ से, वाटर बोर्ड की तरफ से। अब जैसा कि आप लोगों ने पिछले दिनों देखा है कि गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा कॉरपोरेशन के सामने एक धरना देती हैं, तमाम तर कॉरपोरेटर्स जिसके अंदर कांग्रेस के भी कॉरपोरेटर्स थे और जेडीएस के भी कॉरपोरेटर्स शामिल थे, वो लोग मजबूर हो गए सड़क पर आने के लिए धरना देने के लिए और मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा भी वो धरने में शामिल रही। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि एलएनटी को जब ये टेंडर दिया जा रहा था तो एलएनटी के बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया गया एमएलएस की जानिब से, चाहे वो कांग्रेस की एमएलए हो या बीजेपी के एमएलए हो, दोनों एमएलएस इस बात के ऊपर क्या रजामंद थे कि एलएनटी को ये टेंडर दिया जाए। और उस पर मसला ये भी है कि वाटर बोर्ड से मुकम्मल इख्तियार छीन लिए गए हैं, मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ एलएनटी ही ज़िम्मेदार है मेंटेनेंस के लिए। मॉनिटरिंग बॉडी वाटर बोर्ड को हटाकर कर्नाटका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को बनाया गया जबकि मॉनिटरिंग अथॉरिटी वाटर बोर्ड को ही रखना चाहिए था, इसके बारे में सवाल नहीं उठाया गया। जो तजुर्बा रखती है वाटर बोर्ड वो वाटर बोर्ड के तजुर्बे का इस्तेमाल नहीं किया गया, नतीजा ये हुआ कि एलएनटी ये मेंटेनेंस करने में पानी को साफ मुहैया करवाने में नाकाम रही है। और इसकी पूरे तौर पर अगर जिम्मेदारी उठानी चाहिए तो वो दोनों एमएलएस को उठानी चाहिए कि दोनों एमएलएस गुज़िश्ता 4-4.5 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं और पानी के मसले को हल नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं तमाम तर आवाम से ये गुजारिश करता हूँ गुलबर्गा शहर की कि इस हसास मसले पर पानी आपका इख्तियार है, पानी आपको मुहैया हो सके इसके लिए आप लोग हमारे साथ में इस एहतजाज में शामिल हों। पीर के दिन बरोज़ पीर 11 बजे आप सभी लोग
इस एहतजाज में शामिल हों, और हम लोग ये गुजारिश करते हैं तमाम तर शहर की आवाम से कि इस एहतजाज में शामिल होकर इसको कामयाब करें, और हमारी जो आवाज़ है गुलबर्गा शहर से कॉरपोरेशन के कमिश्नर तक पहुँचे, और साथ ही साथ LNT डिपार्टमेंट को पहुँचे, और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को पहुँचे, और ये दोनों MLAs को पहुँचे कि आप लोग कहाँ कहाँ नाकाम हुए हैं और ये नाकामी को वो सही करें। इसके साथ मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस एहतजाज में शामिल हों।